शांति का भंग काम करने का जो प्रयास शरणु सलगर करा है उसको धक्के मार के हम उसको और गुलबर्गा भेजने की तैयारी करना है। जुम्मा को जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ एहसास भाई, अभी 8 दिन में पूरा इतना खट्टा होगा, इतना खट्टा होगा, इतना झूठा है, एक नंबर का झूठा। आज तक मुसलमानों के खिलाफ था, अब दलितों के खिलाफ हुए, कल मराठे के खिलाफ और मराठे के खिलाफ। अरे मैं तो समझता हूँ जो दलितों का अन्याय करके इनका जो हिस्सा देने के लिए जो प्रपोजल दिया है उस आधार के ऊपर अटल सिटी केस होना चाहिए उसके ऊपर। आज तक 4-8 करोड़ ने 400 रुपए का काम लेकर रखा मादर। आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका आज यहां पर रैली प्रतिभटना रैली का कारण बसव कल्याण का आमदार शरणु सलगर, फेसबुक में देख रहा हूं मैं, व्हाट्सएप में देख रहा हूं, बसव कल्याण पॉपुलर एमएलए, बसव कल्याण डायनामिक एमएलए, किसको बोलते हैं डायनामिक एमएलए, किसको बोलते हैं पॉपुलर एमएलए, जो बसव कल्याण तालुका के लोगों के लिए, बसव कल्याण के तमाम समाज के लोगों के लिए जो चिंता करता है, जो फिक्र करता है, वो उसको पॉपुलर एमएलए कहते हैं। वो क्या चिंता कर रहा है? हमने गलती करे, हमने आज तक कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी में आके शामिल होने के बाद शरणु सलगर को हम वोट डाल के बाई इलेक्शन में हम बहुमत से जिताए, इसका कारण आज हम भोगने का टाइम आ गया है। क्योंकि आज एमएलए, अभी अन्ना साहब बोले बेड़ जंगम को जो है ना सिफारिश करे, लोगों को नहीं मालूम होता बिल्ली दूध पिलाए तो आंख मूंछ के पीती है, लोग नहीं देख रहे समझते, यह सब लोगों को मालूम हुआ। अरे अपना हिस्सा लेने, हमारा हिस्सा डालने के बजाय अगर तू उनको सेपरेट रिजर्वेशन अगर देता था तो बहुत बड़ा काम होता था। तू एससी समाज का हिस्सा देने के वास्ते किसका आदेश से तो रेकमेंड लेटर दिया भाई? आज मंच से मुखांतर में उनको पूछना चाहता हूं, आज जो रेकमेंड लेटर उन्होंने सीएम को जो रेकमेंड लेटर दिए, क्या हाईकमांड का आदेश है, क्या सीएम का आदेश है? क्यों बीजेपी का इज्जत डाल रहा भाई तू? हाँ, क्यों बीजेपी का इज्जत डाल रहा है और बसव कल्याण का क्यों खात्मा कर रहा है? शांति का भंग काम करने का जो प्रयास शरणु सलगर करा है उसको धक्के मार के हम उसको और गुलबर्गा भेजने की तैयारी करना है। आने वाले 2023 में बाई इलेक्शन में उन्होंने एक हवा में जो आया था हम साथ दिए थे, अरे हम उसको साथ भी देते और लात भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने लेटर देना था तो इन्होंने अकेला 30 मार का है, बाकी के एमएलए क्या बेवकूफ है? जुम्मा को जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ एहसास भाई, अभी 8 दिन में पूरा इतना खट्टा होगा, इतना खट्टा होगा, इतना झूठा है, एक नंबर का झूठा, सब लोगों को झूठा कर रहा है। आज तक मुसलमानों के खिलाफ था और दलितों के खिलाफ हुए, कल मराठे के खिलाफ और मराठे के खिलाफ, तो इसको होना कौन? बेंगलोर लेके जा रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने जो ड्रामा कर रहा है, उन्होंने जो ड्रामा खेल रहा है, मैं नजदीक से देखा हूं, वो डोम्बा राटा खेल रहा है। तुम देखे परसों बसव कल्याण तालुके में बारिश के वजह से बहुत सारे घर गिरे, सिर्फ लिंगायत के घर गिरे, मुस्लिम के एक भी घर नहीं गिरे, ना दलितों के घर नहीं गिरे, यहां का तो बारिश को हो रही। हर ग्राम पंचायत में देखे 50 टारगेट है तो सब हो रही, डीसी भी परेशान, एसी भी परेशान, सभी परेशान, टारगेट बसव कल्याण का इतना कैसा हुआ है? रेवेन्यू मिनिस्टर, रेवेन्यू ऑफिसर, घर में इनो एमएलए,
दलित के एक भी घर नहीं गिरे, गिरे तो बम मारते रह जाओ। ये जाति है नहीं तो क्या है, ये कास्टिज्म नहीं तो क्या है, दलितों को अन्याय नहीं तो क्या है। अरे मैं तो समझता हूं जो दलितों का अन्याय करके इनका जो हिस्सा देने के लिए जो प्रपोजल दिया है उस आधार के ऊपर अट्रोसिटी केस होना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि कानून के खिलाफ में उन्होंने काम करे। सरकार ने उनको कोई आदेश नहीं दिया, ध्यान में रखो, सरकार ने उनको कोई आदेश नहीं दिया, पार्टी को आदेश नहीं दी। हलकट नीति उसके जातिवाद हो उसके लिए दलितों को कुचलने का काम करने का काम करे। इतना ही नहीं, बहुत सारा मालूम है, सब एमएलए साहब के पास रहने वाले भी कुछ लोग हैं। दीपक गायकवाड़ है, संजू गायकवाड़ है, रवि गायकवाड़ है, लेकिन मैं नजदीक से देखा, करोड़ों रुपए का डेवलपमेंट, हिसाब लेना क्या नहीं, हम लोग और डाले क्या नहीं, वो सारे को हम जिता के लाए क्या नहीं, तो हिसाब भी पूछ रहे क्या नहीं, हमारा हक बनता भाई, हमारा हक बनता है। तो लाखों करोड़ों रुपए का फंड कहां पर होता है, हनुमान मंदिर पीरप्पा मनी ले तो ईश्वरप्पा मनी की, गुंडाप्पा मनी ले नागप्पा मनी की, होलगिरी अली भी ला ये अंकुश, अंकुश कम ले लेना गुत्तीर, हाँ कदे को ये अणा अणा ना व्हाट्सएप खर्च ऐनादारू व्हाट्सअप खोल के देखो तो 499,000 के एस्ट 4 लाख 99 रुपीज के 267 काम सिर्फ गांव में एक हरिजन वाले में नहीं है। ये नहीं तो क्या है, ये टाइगर नहीं तो क्या है, ये लुच्चा नहीं तो क्या है, ये अन्य है। आप करे थे कैसा, हमको हिस्सा दिए थे, वो हाथ तो कोई भी नहीं करे, मुड़े साहब ऐसा नहीं करे, अर्जुन कनक को कामा दिए काम बोले 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 काम रखे, दिलीप सिंधे काम बोले काम रखे, बाबरा मुदल वाले काम बोले काम रखे, बीनारायण तो भवन में आके ये अना ये दादा कैसा है मार 4-4, 8-8 करोड़ का काम, इनो आज तक 4-8 करोड़ ने 400 रुपए का काम नहीं करा का मादर, क्योंकि हक बनता है भाई बीजेपी में काम कर रहा हूं, पार्टी का यहां पर कुछ संबंध नहीं आता, निकम्मा लुच्चा एमएलए है वो, क्योंकि एमएलए का दुर्योपयोग किया है वो। हम उसको आने वाले दिनों में हम धड़ा दिखाएंगे, 2023 में उसको टिकट कैसा देते हैं, हम सरकार हम भी बीजेपी सरकार को मुखर लोगों को पूछेंगे, क्योंकि यहां जातिवाद करने का काम बसो कल्याण में आज तक तो कोई नहीं करा, ये पहला एमएलए है जो जातिवाद का काम कर रहा है। बसो कल्याण में 7 करोड़ से लेकर 8 करोड़ का काम रखा गया है। यशवाम साहब धूप लग रही है सर, हाँ 7 से 8 करोड़ का काम, SCPT SP का काम, और वो काम कहाँ रखना चाहिए, सब जगह SCPT SP का काम का रखना चाहिए, कहाँ पर रखना चाहिए। एक माजी शासक के मुंह से सुनना था मेरे को, SC ST एरे में रखना, तो काम रखे सो मैं पूरा तमाम एक्शन प्लान देखा, नाम को 11 नंबर वार्ड युवराज भंडे का नाम को, लेकिन बस स्टैंड से बसवेश्वर मंदिर, ये SC ST एरिया हुआ, याक नहीं संदीप मिलकर तिपराज में काम रखे, अंबेडकर स्टैंड में लेंद पंचायत कट्टी तना पंचायत कट्टी होलगिरी दा रहे ना पा, आज 7-8 करोड़ का काम, ये बंदर आटा बंद कर दे भाई, हमको सब समझ में आए, तू दलित दलित विरोधी है, तू आखिरी लुच्चा है, तेरे को हम ऑफिस भेजने के लिए हम क्या भी दिन रात काम करेंगे, करना है क्या नहीं, सबक सिखाना है, हाथ उठा के बोलो, इसको हमको आने वाले दिनों में
जैसा आया था वैसे नंगे पाँव भगाने का काम करने का है। हमको किसी का दोष नहीं, जो दलितों का दुरुपयोग कराए, दलितों को अन्याय कराए, हम उसको कल्याणी का पानी भी नहीं पिलाएंगे, क्योंकि बसो कल्याणी कर्म भूमि अन्ना बसवण्णा की कर्म भूमि है। यहाँ पर हम अन्याय का काम करने वाले नहीं। हम बाबा साहब, हमको बाबा साहब बोले सिखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा, अब हम सीख रहे हैं और उन्होंने हमको थोड़ा पाटा सिखाया, अब संगठित तो हो रही, आज पूरे संगठन हुए। सुरेश मोरे उधर टीपी तरफ रहता था, शीतल उधर पंचायत देखते रहता था, पिंटू क्या क्या किस करते रहता था, सब क्या वीरेंद्र इसके पैर में एक मंच पे आए, शुक्रिया उसका, शुक्रिया उसका। इतना कहना चाहता हूँ, आज तक हमारे किसी हरिजनोड़ी में, SC ST में, मांगवाड़े में, धनगरवाड़ी में या हरिजनवाड़े में 2 रुपए का काम नहीं रखा। काम रखा तो सिर्फ पुनः रखे। और आपको हर एक ध्यान में ले, ये डोमराटा हर एक हर गांव के एक 25-50 अधिवेशन दिखाने, क्या 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 साबित करना बोल रहा भाई तू, अधिवेशन ले जाके क्या ही MLA बना रहा है, क्या कर रहा है? अच्छा ले जा रहा तो किसको ले जा रहा है? लिंगायत मंदिर के वेला तल, मराठा मंदिर के वेला तल, यार ना ऊपर ऊपर नंदर लागे चमचाई दिल आदू यार होगला तरह लो गुरु दिल हाँ मैं डोंबर आटा या कर लेती थी बुधगड़ी देनी अबा अबा हाँ हाँ हिड़ला तो हिड़ा तो बढ़ा तला छिड़ियात कल सब मढ़ा तला बाहुबली आ गया ला हाँ ये ले लाख तर लोड़ा रहे हो नौ भी लोड़ा रही बेंगलोर में लोगों को लिया क्या लाज मिला उसके लिए अभी बसों कल्याण के तमाम लोगों को मालूम होगा ऐसा भी बिल्कुल बिल्कुल मालूम होगा राठौर साहब ये सब दो मराठा है मराठों में फूट डालने का झगड़ा लगाने का लिंगायत में भी झगड़ा लगाने का लिंगायत में क्या छोटा बोल रही लिंगायत में भी झगड़ा लगा आदि लिंगायत है वो भी हाँ तो इसके लिए मैं बोलने का इतना चाह रहा हूँ कि हम आंखों को काला पट्टी नहीं बन लिए भैया, हमारे आंखें खुले हैं, हम बाबा साहब की औलाद हैं, हमारे पास सहनशीलता भी है, हमारे पास क्रांति भी है, हमारे साहब बोले लट लेना होगा, हमारे पास सब है। और कौन कौन ऐसे हैं लट और तलवार भी रहे तो उसको सामना करने की ताकत है, वो क्या धारकारी नहीं है? तुमको मालूम है बचपन से मैं भी कराटे मास्टर हूँ, चुप मारा भी तो बेहोश गिरना, तलवार की जरूरत ही नहीं। तो आने के बाद वक्त आने के बाद टाइम बनता था तो सर अभी राइट है अदर से लेका ना यार यार दे ला समय एक्स तकोला दे जागृत आगे दे अर्ध आगे दे हिना अर्ध ऐन मादंद्र इन हंग कल्बा प्लान मादा ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ರೊಕ್ಕ ಹೋಗಲಿ ಹಿನಾ ಮುಸೀಬತ್ ಬರಲಿ ಈಗೊತ್ತು ಗ್ಯಾರಾಲಿಂದ ಪೂರ ಅಡಿಚಿರ್ತಾನ ಬಿಸಲು ತಿಂದಿದ್ದೆವು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಸಲ ಖರ್ಸಾಸ್ತಲ ನಾವು ಹೀಗೆ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಾರಿ ಮಾಡಾರಿ ಪಕ್ಕ ಬೋಲೋ ಭೀಮ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಓ ಭೀಮ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम।